performance. High five. Well, judges, let me tell you one small and very important thing. All these kids, they are here since 11 o'clock in the morning. And it's almost 7 right now, and they are still so energetic. Hats off to all the contestants and their parents, because they've had so much of patience, and it's amazing to see the spirit amongst all you lovely people out here. And thank you so much for such an amazing performance, and directly over to you. Hi, good up. Yeah, seriously, you know, what's going on here? Hats off, guys. Parents and the kids, sare bacche bhi. Itni energy abhi bhi hai. Matlab mujhe laga ki shayad maybe 5 baje hoga, even 4-5 hoga. But subah se lekar upar bhi aisa nahi hai ki sab above 10 hai. Sab chote bacche hai, jo ki thode cranky bhi ho jata hai kabhi kabhi itne time mein. But jis tarike se perform kar rahe hain, bilkul bhi aapke chehre se aapke कोई भी एंगल से नहीं लग रहा कि आप कितने टाइम से वेट कर रहे हो. और स्पेशली आप, आई थिंक ये लास्ट परफॉर्मेंस था इस कॉम्पिटिशन का, और जैसे शुरुआत हुई थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से इसकी एंड हो रही है. वैसा ही धमाका श्रीदेवी आई थी स्टार्ट में, श्रीदेवी मैम मतलब सॉरी उनकी तरह परफॉर्म किया था, और ये जाते वक्त भी इतना अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया अभी आपने. मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि 11 बजे से, क्योंकि अगर हम भी 11 बजे से अगर रहते शाम को परफॉर्म करना होता है तो वैसे हो जाती है, रीज़न मिल जाते हैं हमें. बट बहुत अच्छा किया आपने, और जिस तरीके से सॉन्ग डिमांड कर रहा था मैंने यहाँ पर और भी लोगों को कहा है, उस तरीके से आप उसको परफॉर्म भी कर रहे थे विद एक्सप्रेशंस. बीच बीच में आपके एक्सप्रेशन इधर उधर हो रहे थे, बट ठीक है, आपने स्टार्ट टू एंड मुझे पकड़े रखा अपने पास, आँखों में आँखें मैं देख ही रहा था सब. सो ऑल द बेस्ट. नव्या, आपका कॉस्ट्यूम, आपकी एनर्जी, मैं तो अभी अभी इन्होंने बताया कि 11 बजे से मैं भी वही बोलने वाला हूँ. We'll only give you the prize if you say the dialogue once again.
वो कौन सी शायरी कही थी आपने? Congratulations! फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जितने भी कॉम्पिटिशन हुए यहाँ पर सिंगिंग के या फिर ड्रामा जो भी हुआ है सबको कंग्रेट्स जिन बच्चों ने भी जीता है और जिनको प्राइजेस नहीं मिले जो नहीं भी जीते हैं वो यहाँ से कुछ सीखे हैं डेफिनेटली और वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आगे काम आएगा आपको और यहाँ पर मैं तो डांसिंग के लिए आया था सब बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस किया मैंने डांस शुरू ही किया था आई थिंक 12 साल की उम्र में या फिर 11 साल की उम्र में बट इन्होंने आई थिंक जो खेलने का टाइम है उसमें इतना अच्छा डांस कर रहे हैं ऑफकोर्स ये लोग खेलते भी होंगे बट उसके साथ साथ मैनेज कर रहे हैं डांस भी सोना भी उठना भी और भी सारी एक्टिविटीज़ तो सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया यहाँ पर और उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज रिजल्ट है डिफ़िकल्ट था थोड़ा बट फिर भी आ गया है फाइनली 3 नाम है हमारे पास और जो बच्चे यहाँ पर नहीं जीतेंगे प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आपको काम आएगा हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जाता था कहीं पर जीतता था कहीं पर नहीं जीतता था बट मुझे क्या पता ये बच्चे समझ पाएंगे या नहीं बट उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया बट 3 नाम ही निकालने थे बिकॉज सब विनर नहीं हो सकते और एक लाइन है जो मैं हमेशा फॉलो भी करता हूँ यू ईदर विन और यू लर्न तो या तो आप जीतते हो या सीखते हो हारता कोई नहीं ओके सो आप प्लीज सो सेकेंड रनर अप वुड बी एनीथिंग एनी ऑडियंस से पूछना चाहेंगे आपको क्या लगता है कौन था या कौन थी जानवी चांदनी और किसको यहाँ पर आप लोगों ने अगर परफॉर्मेंस देखे होंगे तो किसका अच्छा लगा आपको डांस में किसी को याद है अच्छा ठीक है नाम अनाउंस कर देता है सो सेकंड रनर अप द थर्ड प्राइज गोज टू नव्या नाम चिल्लाने पड़ेंगे अपने अपने बच्चों के दूसरों के बच्चों के बताइए कौन था सेकंड प्राइज फर्स्ट रनर अप लाउड लाउड चांदनी ओके सेकंड प्राइज फर्स्ट रनर अप गोज टू सृष्टि
इनके टीचर जो है डांस टीचर वो उनको स्टेज पर बुलाना चाहती है. उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट कॉम्पिटिशन है.